हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो फोटोशॉप बारे में होने वाली है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि किसी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो इसका हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो किस प्रकार इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तीन चार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना या एंड तक देखना, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये वाली फ़ोटो ओपन कर लिया अपने फोटोशॉप सीसी में, ठीक है? तो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोटोशॉप का, तो ये फ़ोटोशॉप का सीसी वाला वर्ज़न है, ठीक है? 2018 का वर्ज़न है, ठीक है? तो वो मैंने अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली तरीका। तो पहले तरीका में हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर किस टूल के द्वारा हम लोग इसको बैकग्राउंड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहला टूल हमारा ये होगा कि जिसे बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, नहीं सॉरी, स्पॉट हीलिंग ब्रश। ये जो जो टूल होता है, इसमें फ़ोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये दाग धब्बे जो है वो यहाँ से कैसे गायब हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमको भी अपने ब्रश इस तरह कलर करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इस फोटो का लॉक यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ से अगर आप फोटोशॉप पहली बार यूज़ करें तो मैं आपको बता दूँ कि किस चीज़ को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज़ करते हैं, एंड किस चीज़ को मतलब जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इस जो ये कर्सर आपको दिख रहा है, इसको बड़ा छोटा करने के लिए आपको ब्रैकेट में एक ब्रैकेट का एक बटन होगा कीबोर्ड में, तो राइट वाले ब्रैकेट से बड़ा होता है, राइट वाले ब्रैकेट से बड़ा होता है, एंड जो उसके लेफ्ट वाला ब्रैकेट है तो उससे छोटा होता है। जो अब ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो इसमें आपको सिंपल कलर करना है, ठीक है? बिना माउस को छोड़े एक तरह से आपको पूरे में कलर कर लेना है, तो ये चीज़ हमारी सब्जेक्ट जो होगा वो गायब हो जाएगा और बैकग्राउंड हमको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये इसने कुछ कुछ जो छोड़ दिया होगा वो हमको मैन्युअली करना है, ठीक है? तो एक बार में पूरा इरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये आपकी फ़ोटो पर डिपेंड करता है कि कैसी फ़ोटो है, कैसा पोज है, तो उस हिसाब से आपका ये वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस से इसको जूम करता हूँ और इसको मैनुअली एक एक छोटा करके इसको सही से इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड हमको मिल चुका है। तो ये हमारा स्टेप नंबर वन था जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर टू में, जिसमें आपको मैं दूसरा टूल यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं भाई इस फोटो में। तो इस फोटो में मतलब कई चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड निकालना होगा, एंड ये जो आपको हाथ दिख रहा है ये आपको PNG के रूप में इसको यूज़ करना होगा अपनी फ़ोटो में। जैसे आप ये फ़ोटो एडिट करेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बैकग्राउंड है और दूसरी इसकी PNG है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ निकाल कर दिखाऊंगा। पहला आपको मैं बैकग्राउंड निकाल कर दिखाऊंगा एंड दूसरा मैं आपको PNG भी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने क्विक सिलेक्शन टूल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक टूल मिलता है जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल, तो उसको आपको दबा देना है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो पहले तरीके में आपको करना क्या होगा कि आप मैनुअली अपने हाथ से भी इसको कर सकते हैं, एंड आपको अगर ये ना करना हो तो इसमें एक टूल और मिलता है, ऊपर आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट सब्जेक्ट का, तो इसमें करेंगे। तो अगर आपकी फ़ोटो जूम है और उसका सब्जेक्ट सही है, तो ये फ़ोटोशॉप में एक फ़ीचर है इसके द्वारा आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है? तो ये फ़ोटोशॉप का एक सब्जेक्ट है, तो ये अपने आप ही इसको सेलेक्ट इसने कर लिया है, एंड जो चीज़ रह गई है उसको हम लोग मैन्युअली कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से जाएंगे, जैसे इसने इस चीज़ को नहीं किया है तो इसके इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये माइनस वाला क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से इसके माइनस टूल के द्वारा हम लोग इसको वापस से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी छूट गई थी, तो मैंने यहाँ से इसको मैन्युअली सेलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है, एंड कंट्रोल माइनस इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर एक आपको माउस में राइट क्लिक करना है, तो यहाँ को कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें एक ऑप्शन होगा हमारा फिल का, तो फिल में क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने से पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कंटेंट यहाँ पर अवेयर रहना चाहिए,
एंड ये चीज़ मैं भूल गया यहाँ से। सबसे पहले कोई भी काम अगर आप करें तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लें, ताकि हमारी कोई चीज़ अगर गलत हो जाती है तो उसको हम लोग रिकवर कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले भूल गया था, ये आपको स्टार्टिंग में कर लेनी है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर वापस से। यहाँ पर आपको कंटेंट अवेयर रहने देना है, एंड यहाँ पर नॉर्मल, एंड यहाँ पर 100% करके इसको आपको ओके कर देना है। तो फिर यहाँ से कुछ समय बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड इसने सारी चीज़ गायब कर दी है। एंड ये जो आपको लाइनिंग दिखेगी उसको आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको डिसलेट में क्लिक कर देना है, तो ये आउटलाइन भी हमारी गायब हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो चीज़ इसने आउटलाइन इसको रिमूव नहीं किया है, तो उसको हमको मैनुअली रिमूव करना होगा। तो उसके लिए वापस से हम लोग उसी टूल में जाएंगे जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश, एंड इस पर हम लोग आपको ब्रश छोटा करना है एंड इसको ठीक से इसको रिमूव कर लेना है। तो फिर सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से आपको अल्ट वाला बटन दबाए रखना है, एंड इस एरिया को आपको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लिक हो गया, एंड अब जो है ये चीज़ इस तरह से ये वर्क करती है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो टूल है ये इस तरह से ये वर्क करता है। इस टूल का यूज़ बहुत ही कम जगह होता है, बहुत ही खास जगह होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का टूल है जिसके जरिए आप बहुत सी आप चीज़ों को इसमें गायब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस यहीं आज खत्म होता है। आपको मैंने आज तीनों स्टेप मैंने आपको आज करके दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।